आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। मधेपुरा जिला अंतर्गत कुमारखंड प्रखंड में कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी मंजूर आलम का 105 वर्षीय में आकस्मिक निधन से प्रखंड क्षेत्र में चाहने वालों में शोक की लहर है। कुमारखंड प्रखंड के इसराइन खुर्द पंचायत स्थित यदुआ पट्टी गांव के पैतृक आवास पर निधन हुआ है। बुधवार को दोपहर 2:30 बजे जनाजे की नमाज अदा की गई। हजारों की संख्या में जनाजे की नमाज में लोगों ने शिरकत किया। हाजी मंजूर आलम की आखिरी दीदार के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव समेत प्रखंड और जिले के दर्जनों नेता हाजी मंजूर आलम के घर पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों को ढांढस बंधाया। हाजी मंजूर आलम अपने पीछे अपने एक पुत्री, तीन पुत्र खुर्शीद आलम, अरसे आलम, फारूक आलम समेत भरा पूरा परिवार छोड़ कर गए हैं। सभी ने हाजी मंजूर आलम को नम आंखों से आखिरी विदाई दी। हाजी मंजूर आलम को यदुआ पट्टी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। मरहूम हाजी मंजूर आलम के पैतृक आवास पर पूर्व सांसद पप्पू यादव अपने काफिले के साथ पहुंचकर हाजी मंजूर आलम के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और पारिवारिक जनों को ढांढस बंधाया। यादव ने कहा कि मरहूम हाजी मंजूर आलम मेरे अभिभावक थे। जीवन के आखिरी सांस तक समाज का सेवा किया। उन्होंने समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई अन्य सारी आवश्यक कार्यों में अहम योगदान दिया है। सार्वजनिक दुर्गा पूजा मेला समिति खुर्दा के बतौर अध्यक्ष के पद का ईमानदारी से निर्वहन किया। मौके पर मौजूद कम्युनिस्ट के नेता पन्नालाल यादव, ललन यादव सहित हजारों लोग जनाजे की नमाज में शिरकत करते हुए देखे गए। بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس صدق الله العظيم تمام تعریفیں ہم حمد و ستائش اور اس مالک کون و مکا کے لیے جنہوں نے ہم سب کو وجود بخشا اور رحمت کاملہ درود کاملہ نازل امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا بغیر کسی لمبی تمہید کے گزشتہ دنوں جناب الحاج منظور عالم صاحب جو طویل عرصے سے صاحب فراش تھے۔ खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।